बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बहार किचन। आज हम बनाएंगे वनीला फ्रूट कस्टर्ड। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसे अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध ले रही हूँ, 1 कप शक्कर और कस्टर्ड पाउडर हम 6 टेबलस्पून जितना निकालेंगे इसको। अब एक बाउल लेकर इसके अंदर 6 टेबलस्पून जितना कस्टर्ड पाउडर निकालेंगे। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख देंगे। अब दूध को एक पैन के अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गैस पे एक पैन रखेंगे। इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। दूध को मैंने फ्रीज़र में रखा था इसलिए ये जम गया है। अब दूध को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें 1 कप जितना दूध निकाल लेंगे। निकाल कर कस्टर्ड पाउडर के अंदर डाल देंगे। डालकर इसको अच्छे से घोल के रख लेंगे। अब दूध को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे 1 उबाल आने तक। दूध में उबाल आने तक कस्टर्ड पाउडर को घोल कर रख लेंगे। देखिए अब हमारा कस्टर्ड पाउडर अच्छे तरीके से घुल चुका है, ये देखिए। देखिए अब हमारे दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। आंच को थोड़ा धीमा कर लेंगे। अब इसके अंदर शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर डालकर इसको डिजॉल्व होने तक पका लेंगे। मेरी YouTube फैमिली से माफ़ी चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मगर मुझे 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है और ईद की वजह से मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाई। बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करूँगी। देखिए अब हमारी शक्कर भी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। कस्टर्ड को एक बार अच्छे से घोल के इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए कस्टर्ड को अच्छे से पका लेंगे, नहीं तो लम्स आ जाएंगे इसके अंदर। अब एक विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे गाढ़ा होने तक। देखिए अब हमारा कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। इसको 1 उबाल आने तक पका लेंगे। अभी तक इसके अंदर उबाल नहीं आया है। इसको लगातार इसी तरह से कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। देखिए हमारे कस्टर्ड में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है, बबल्स आ रहे हैं, ये देखिए। अब गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करके इसको लगातार ठंडा कर लेंगे चलाते हुए, नहीं तो इसके ऊपर से पतली मलाई जम जाएगी। इसी तरीके से हिलाते हुए ठंडा कर लेना है इसको। बाद में इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। मैंने कस्टर्ड के पैन को फ्रिज के अंदर रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। 1/2 कप काजू, इसको हम चॉप कर लेंगे। 1/2 कप किशमिश, 1/2 कप खजूर, खजूर को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, और 1/2 कप बादाम, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। और साथ में मैं यहाँ पे फ्रूट केक ले रही हूँ, टी टाइम फ्रूट केक, इसको 1/2 किलो, इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे फ्रूट्स ले रही हूँ 1/2 किलो, 1/2 किलो एप्पल, 1/2 किलो आम, 1/2 किलो मौसम्बी, 1/2 किलो अनार और 1/2 किलो बनाना। इन सबको भी अच्छे से धो के कट कर लेंगे। देखिए मैंने कस्टर्ड के पैन को फ्रिज के अंदर से निकाल लिया है, अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और इसके ऊपर बिल्कुल भी मलाई नहीं जमी है, ये देखिए। देखिए मैंने 1-1 करके सभी फ्रूट्स को अच्छे से कट कर लिया है। इसके अंदर सबसे पहले आम डाल रही हूँ, ये नीला आम है, ये बहुत मीठे भी हैं। अब इसके अंदर कटी हुई मौसम्बी डाल रही हूँ, अनार के दाने, कटे हुए सेब, मैंने इसका छिलका निकाल लिया है सेब के ऊपर का। अब मैं डाल रही हूँ कटे हुए केले। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने सभी फ्रूट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर वनीला फ्रूट केक डालेंगे। मैंने केक को इस तरीके से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इसके अंदर डाल देंगे और थोड़े गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे।
देखिए मैंने काजू को भी कट कर लिया है, इसके अंदर डाल देंगे, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। अब यहाँ पे कटे हुए बादाम डालेंगे, बादाम को भी थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब कटे हुए खजूर, अब यहाँ पे किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश को मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख दिया था अच्छे से धो के, इसके अंदर की गंदगी सारी निकल जाएगी इस तरीके से धो के डालने से। ये भी थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब इन सबको और एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमारा कस्टर्ड अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, मैंने इसीलिए लास्ट में डाला था केक को, नहीं तो ये मशी हो जाएगा। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए मैंने फ्रूट कस्टर्ड को डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से केक के टुकड़े डालेंगे, इस तरीके से रख देंगे। और थोड़े से अनार के दाने इस तरीके से सजा लेंगे। कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और थोड़े से किशमिश डालकर इन सबको अच्छे से सजा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।